like a Hellcat. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का योर गार्डन पार्टनर लव योर गार्डन की एक और नई वीडियो में। आज हम ग्रो कर रहे हैं फेनुग्रीक, जिसको हिंदी में प्याज की भाजी कहते हैं। इसे ग्रो करना बहुत ही आसान है और इसे कोई बच्चा भी ग्रो कर सकता है, क्योंकि बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है और बहुत आराम से ग्रो हो जाती है। इसे ग्रो करने के लिए हमने यहाँ पर थोड़े से फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी के दाने लिए हैं, एक 2 इंच गहरा बॉक्स लिया है, पॉटिंग मिक्स बना लिया है जिसमें है 50% गार्डन सॉइल, 30% वर्मी कंपोस्ट और 20% सैंड, और साथ ही में एक वाटर स्प्रेयर भी ले लिया है। अगर आपके पास किसी इस तरह का डब्बा नहीं हो तो आप इसकी जगह सोन पपड़ी के डब्बे को भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी अपन ग्रो कर सकते हैं। इसके नीचे आपको बहुत सारे ड्रेनेज होल्स बनाने हैं और अब हमें इसमें अपना पॉटिंग मिक्स फिल करना है। तो हम धीरे धीरे करके अपना पॉटिंग मिक्स इसमें फिल कर लेंगे। तो हमने इसमें अपना पॉटिंग मिक्स फिल कर दिया है और अब हम अपने जो सीड्स हैं उसको अच्छे से इसमें फैला के डाल देंगे। हमें चारों तरफ अच्छे से सीड्स को फैलाना है, कोई भी सीड बिल्कुल पास पास नहीं होनी चाहिए और एक के ऊपर एक नहीं होनी चाहिए। वैसे अगर इन्हें आपको और जल्दी जर्मिनेट करना है तो आप इन्हें 1 घंटे के लिए पानी में सोक कर लें तो ये और जल्दी जर्मिनेट होंगे, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आपको जल्दी जर्मिनेट करना हो तो ही ऐसा करें, लेकिन ऐसा करने के बाद आपके सीड सड़ने के भी चांस रहते हैं। और अब हम इसे अपने पॉटिंग मिक्स की हल्की सी लेयर से कवर कर देंगे। अपनी पॉटिंग मिक्स की हल्की लेयर से फिल कर दिया है और अब हम इसमें पानी को स्प्रे करेंगे। आपको पानी को स्प्रे करना है, ऊपर से नहीं डालना है। पानी स्प्रे करने से क्या होता है, हमारे सीड्स हैं वो बह के एक जगह पे नहीं आते हैं और अच्छी तरह से जर्मिनेट हो जाते हैं। अगर आप ऊपर से पानी डालेंगे तो हमारे सीड्स एक जगह पे बह के आएंगे और फिर वो एक ही जगह पे जर्मिनेट होंगे और उनमें रूट बाउंडेशन होने की वजह से हमारी जो मेथी की भाजी है वो मर जाएगी। तो ये अब 3 दिन बाद जर्मिनेट होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।